आपको मैंने बहुत दिनों से Redmi K7A से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं दी हुई है और आप सभी के मुझे टाइम टाइम पे कमेंट्स देखने को मिलते रहते हैं कि भाई कभी हमारे स्मार्टफोन्स में कुछ हैंगिंग वगैरह के इश्यूज हैं या कभी जो स्टोरेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो वो सभी आए दिन हमें Redmi के 7A में देखने को मिलती ही रहती हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो MIUI 12 का वर्जन हमें Redmi के 7A में देखने को मिला है, जो सबसे पहले अपडेट इसकी आई थी तो वो काफ़ी बगी थी, काफ़ी ज़्यादा हैंगिंग के इश्यूज इसके साथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। और हालांकि यहाँ पर मेरा जो Redmi का 7A है तो इसमें मुझे बूट लूप की भी प्रॉब्लम हो गई थी, फिर उसके बाद मैंने इसे वापस से MIUI 11 के लिए डाउनग्रेड कर दिया था। लेकिन अभी जो नया वर्जन हमें Redmi के 7A में देखने को मिला है 12.0.2 का, तो उसके साथ काफ़ी हद तक जो हैंगिंग के इश्यूज हैं वो सॉल्व हो गए हैं। लेकिन आप सभी के मुझे कमेंट्स देखने को मिलते रहते हैं कि भाई हमारे स्मार्टफोन में जो स्टोरेज है वो काफ़ी कम है, तो आप हमें बताइए कि किस तरह से जो स्टोरेज है उसको एक्सपेंड करना है, या जो स्टोरेज अनयूजुअल हमारे स्मार्टफोन्स में कैप्चर करके रखी हुई है और जो आप सभी को पता बिल्कुल भी नहीं होती है, तो मैं आपको आज एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ। अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो जो आपका Redmi का 7A है उसकी स्टोरेज प्रॉब्लम बिल्कुल 100% सॉल्व होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखो, ये जो टिप मैं अभी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ इस वीडियो में काफ़ी जेन्युइन सी ट्रिक है, और हर एक वीडियो मेरी जो भी मैंने इस तरह की बनाई है तो ये ट्रिक जो है सबसे इम्पोर्टेंट रहती है। और आप सभी के मुझे कमेंट्स देखने को मिलते हैं कि हाँ भाई इस चीज़ से जो हमारी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व हो गई है। अब देखिए, इस वीडियो का सबसे मेन मोटिव मैं आपको समझा देता हूँ कि जो आपके ऐप्स हैं उन्होंने आपके स्मार्टफोन में काफ़ी ज़्यादा डाटा खर्च करके रखा हुआ होता है, और आप ये बात जानते ही हैं कि जितना इन ऐप्स का साइज़ है उससे डबल तो इन्होंने यहाँ पर जो फ़ोन की स्टोरेज का डाटा है वो कंज्यूम करके रखा हुआ होता है। देखिए, अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। देखिए, जो हमारा यूट्यूब है, अगर हमने यहाँ पर यूट्यूब सर्च किया तो यूट्यूब का जो साइज़ है वो आप यहाँ पर बिल्कुल देख सकते हैं 30 MB है। तो जो YouTube का साइज़ है वो है 30 MB, और अभी मैं आपको आगे सेटिंग में चलकर बताऊंगा कि 30 MB साइज़ होने के बावजूद भी इस YouTube ने हमारा कितना कैप्चर करके रखा हुआ था। इसको फाइंड करने के लिए आपको सेटिंग में जाना होगा जिस तरह से मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे बता रहा हूँ, और उसके बाद जाना होगा आपको यहाँ पर ऐप्स में। ठीक है, ऐप्स में आप जैसे चले गए तो मैनेज ऐप्स पर आपको यहाँ पर बिल्कुल जाना है। तो मैनेज ऐप्स पर यहाँ पर आप चले गए, और इसके बाद थोड़ी सी यहाँ पर लोडिंग हमें देखने को मिल जाएगी, और ये सभी वो ऐप्स हैं जो कि हमारे सिस्टम में डले हुए हैं। अब हम फॉर एग्जांपल जो हमारा यूट्यूब था तो उसको मैं यहाँ पर देखने की कोशिश करता हूँ। तो यूट्यूब मैंने यहाँ पर खोल दिया। अब यहाँ पर आप क्लियरली ये चीज़ देख सकते हैं कि जो यूट्यूब ऐप हमने डाउनलोड की हुई थी तो उसका साइज़ था 30 MB, लेकिन यहाँ पर जो स्टोरेज इसने कैप्चर करके रखी हुई है वो है 1 GB से भी ज़्यादा। तो यही सबसे बड़ा कारण है, और आप में से बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में पता भी हो सकता है, लेकिन आपने या तो एक्शन नहीं लिया होगा या तो फिर कुछ ऐसा कारण हो सकता है कि आपने इस चीज़ के बारे में इतना ध्यान ना दिया हो। तो ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं, इन ऐप्स ने आपके स्मार्टफोन का जो डाटा है वो कैप्चर करके रखा हुआ है, और इसका सबसे बड़ा जो हमें लॉस देखने को मिलता है तो स्टोरेज अगर स्मार्टफोन में हमें कम देखने को मिल जाती है, आप ये बात जानते हैं, तो जो हैंगिंग के इश्यूज हैं वो स्मार्टफोन में ऑटोमेटिक ही हो जाते हैं। अब देखिए, जैसे आप जानती हैं जो भी आपने ऐप्स डाउनलोड करके रखी हुई हैं तो उनमें डाटा तो आपको खर्च करना पड़ेगा ही, तो उस डाटा को आपको करना ये है कि टाइम टाइम पे बिल्कुल क्लियर करते रहना है। अब जो ये 1 GB का डाटा है तो इसको आपको जस्ट क्लियर करने के लिए यहाँ पर क्लियर डाटा का ऑप्शन है, और क्लियर कैच अगर आप यहाँ पर कर देंगे तो जो कैच का डाटा है, केज का डाटा भी मेरे ख्याल से 300-400 MB यहाँ पर होने वाला है, तभी ये यहाँ पर इतना पहुँच गया है। अब इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो स्टोरेज है वो 102 MB अब इसने खर्च करके रखी हुई है, और इसके बाद जो हमारा डाटा है जो कि ऐप्स वगैरह का डाटा है तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बिल्कुल जो हमारा 1 GB का डाटा इसने यहाँ पर कंज्यूम करके रखा हुआ था, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं 103 MB बच गया। तो जो केज का डाटा था वो सबसे मेन होता है, और अनयूजुअल किसी भी ऐप ने ये यहाँ पर बिल्कुल कैप्चर किया होता है। तो अगर इस चीज़ को आप अपने स्मार्टफोन में क्लियर कर देते हैं, हर एक ऐप में आपको ये चीज़ अप्लाई करनी है, और जो स्टोरेज है
वो आपकी काफ़ी ज़्यादा फ्री बचने वाली है। तो दोस्तों ये थी एक ट्रिक, अगर आपको इस तरह की ट्रिक्स पसंद आई हैं तो आप जूस से इस वीडियो को एक लाइक कर दो यार, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करेंगे तो इस तरह की वीडियोज़ आपको फ्यूचर में भी मिलती रहेगी। मिलता हूँ किसी और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।